हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनी होम रेमेडीज। डियर पेरेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं मौसम चेंज हो रहा है और इस बदलते मौसम की वजह से हमारे मासूम और फूलों जैसे बच्चे किसी न किसी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। मौसम की इस तब्दीली की वजह से जो सबसे कॉमन बीमारी बच्चों को लग सकती है वो है फ्लू और जुकाम। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक पर यूट्यूब पर कोई भी अच्छी रेमेडी नहीं है, तो मैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स और प्यारे प्यारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए एक बेहतरीन और इफेक्टिव रेमेडी लेकर आई हूँ। मैं ये रेमेडी आप लोगों के साथ इस भरोसे के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब आप इस रेमेडी को अपने बच्चों पर अप्लाई करेंगे तो आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो देखते रहिए मेरी वीडियो को एंड तक ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरा स्टाइल और मेरा यूट्यूब चैनल पसंद है तो अभी की अभी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, क्योंकि आपका ये एक्शन मेरे लिए मोटिवेशन साबित होगा। दोस्तों, रेमेडी तो मैं आपको बता ही दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं क्यों ना आपको कुछ टिप्स दे दूं, कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर बता दूं जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चों को इस प्रॉब्लम से महफूज रख सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप महसूस करें कि मौसम में तब्दीली आ चुकी है तो अपने बच्चों को ठंडी चीजों से मुकम्मल परहेज करवाएं, जैसे कि आइसक्रीम, ठंडे मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक, दही। तो जब मौसम चेंज हो जाए तो आपने इन तमाम चीजों से अवॉइड करना है। मेरी सेकंड टिप आप लोगों के लिए ये है कि नॉर्मली आप अपने बच्चों को जो दूध और पानी का इस्तेमाल करवा रही हैं वो भी आप नीम गर्म ही करवाएं। जब दूध और पानी आप बच्चों को ठंडा या रूम टेम्परेचर पर देंगी तो ये भी आपके बच्चे को गले को फौरन खराब कर सकता है और फ्लू का बाइस हो सकता है। इसी वजह से आपने बच्चों को पानी और दूध हमेशा नीम गर्म करके ही देना है। दोस्तों, मेरी तीसरी टिप ये है कि बदलते मौसम के साथ ही बच्चों के कपड़ों को भी आपको चेंज कर देना चाहिए, यानी कि आप अपने बच्चों को गर्मी के हिसाब से लॉन के कपड़े या बहुत ही हल्के स्टफ के कपड़े पहना रही थी, जैसे कि स्लीवलेस हो गए या हाफ बाजू कपड़े। लेकिन मौसम चेंज हो गया है तो आपने सबसे पहले अपने बच्चों को फुल कपड़े पहनाने शुरू कर देनी है। दोस्तों, नजला जुकाम और गले को ठीक करने के लिए जो आज की रेमेडी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान है और इसका असर भी बहुत ही ज्यादा शानदार है। यानी कि जब आप इसका इस्तेमाल करवाएंगी तो आपके बच्चों का बहता नाक और उनका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपके बच्चे बहुत ज्यादा पुरसकून नींद सो सकेंगे। मेरी आज की रेमेडी एक्चुअली एक कहवा है। इस कहवे को बनाने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत है आप उन्हें नोट कर सकती हैं। सबसे पहले जो चीज आपने लेनी है वो है 2 बड़ी इलायची। एक बात का खास ख्याल रखें कि आपने छोटी इलायची नहीं लेनी, आपने हमेशा बड़ी इलायची का इस्तेमाल करना है। और इसके बाद जो सेकंड इंग्रेडिएंट आपने लेना है वो आपने लेनी है दालचीनी। आपने दालचीनी की भी 2 स्टिक लेनी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दालचीनी है वो बच्चों के बहते नाक को ठीक करने में किसी से कम नहीं। लास्ट में जो चीज आपने इसमें शामिल करनी है वो है अजवाइन। एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपने अजवाइन की बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें शामिल करनी है। आपने आधे से भी कम चम्मच अजवाइन इस कहवे में शामिल करनी है। अब आपने इन तमाम चीजों को 1 कप पानी में शामिल कर देना है और पैन में डालकर इसको बॉईल करना शुरू कर देना है। जब ये पानी बॉईल होकर आधा कप रह जाए तो आपने चूल्हे के फ्लेम को बंद कर देना है और इस पानी को उतार लेना है। अब आपका मैजिकल कहवा तैयार है। डियर मदर्स, ये कहवा विदाउट एनी साइड इफेक्ट है। आप इसको बिना परेशानी के अपने बच्चों को इस्तेमाल करवा सकती हैं, क्योंकि ये कहवा आपके बच्चों की सेहत पर कोई भी बुरा असरात मुरतब नहीं करेगा। डियर मदर्स, कहवे को खुश जायका बनाने के लिए आप इसमें थोड़ी सी चीनी या थोड़ी सी शहद का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि जब ये कहवा खुश जायका होगा तो आपके बच्चे इसको इजिली पी लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस कहवे का इस्तेमाल किस तरह से करना है। आप इस कहवे को 5 माह से लेकर 5 साल के बच्चों को इजीली इस्तेमाल करवा सकती हैं। 5 से 8 मंथ के बच्चों को आपने हमेशा रात सोते टाइम 1 टीस्पून इस्तेमाल करवाना है, और जिन बच्चों की एज 8 मंथ से ज्यादा है आप उनको 2 टीस्पून इजीली पिला सकती हैं। आप देखेंगी इस मैजिकल कहवे के इस्तेमाल से आपके बच्चों का नाक बहना बिल्कुल बंद हो जाएगा और इसी के साथ उनका जो गला खराब है वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और आपके बच्चे इस कहवे के इस्तेमाल के बाद एक पुरसकून नींद सोएंगे और आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।